झारखंड में एक बार फिर से ईडी ने दबिश बनाई है। अभी हम मौजूद हैं रांची के अशोक नगर इलाके में और यह आवाज जो आप देख रहे हैं आलिशान आवास ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम का है। वीरेंद्र राम काफ़ी चर्चे में रहते हैं क्योंकि जो हाल के दिनों में बुंडू तबाड़ इलाके में एक पुल धराशायी हो गया था उसकी जांच का जिम्मा भी वीरेंद्र राम को मिला था कि आप जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन वह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। अगर उसके पूर्व की बात करें तो इनके ठिकानों पर 2019 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस दौरान इनके करीबी के आवास से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक नगद बरामद किए गए थे। तो ग्रामीण विकास विभाग में विकास ग्रामीण इलाकों में कैसे हो उसको बढ़ावा देने का जिम्मा इनके पास था कि किस तरह की योजनाओं को धरातल पर लाया जाए, लेकिन जो भी योजना आती थी उसमें इनकी काली नज़र पड़ती थी और खुद गाढ़ी कमाई करते थे। वो योजना का क्या हाल होगा उसकी परवाह किए बगैर यह भी बताया जाता है कि सरकार किसी की हो, चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान, सभी में इनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। और यह भी बताया जाता है कि इनकी पत्नी पिछले विधानसभा चुनाव में सलाई जो का जो विधानसभा है वहां से चुनावी मैदान में भी उतरने वाली थी, हालांकि उसी दौरान इनके ठिकानों पर रेड हुई थी और उस मामले में ACB ने केस दर्ज किया था और उसी आधार पर ED भी एक साथ वीरेंद्र राम के 24 ठिकानों पर देश भर में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान बात करें झारखंड में तो झारखंड के रांची के अशोक नगर इलाके और जमशेदपुर में छापेमारी चल रही है। इसके अलावा सिवान, हरियाणा, दिल्ली समेत कई जगह हैं जहां इनकी संपत्ति की जानकारी ईडी को मिली थी और उसी आधार पर इनके ठिकानों पर दस्तावेजों को खंगालने में लगे हुए। आप देख सकते हैं कि यह घर काफ़ी आलिशान है और इस घर के अंदर लग्जरी गाड़ियाँ लगी हुई है और ऐसा ही घर ऐसा ही आवास इनका सिर्फ रांची में नहीं कई ठिकानों पर कई जगहों पर है। यह आवास तो बताया जाता है किराए पर है लेकिन इसके अंदर मौजूद गाड़ियां आप देख सकते हैं कि एक लाइन से कई गाड़ियां लगी हुई है। सभी के मालिक बताए जाते हैं कि वीरेंद्र राम थे। वीरेंद्र राम के खिलाफ हाईकोर्ट में भी एक मामला दर्ज याचिका दायर की गई थी कि इन्हें मुख्य अभियंता का जो यह है उसे रद्द किया जाए, इनके इंजीनियरिंग का लाइसेंस रद्द किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि पॉलिटिकल कनेक्शन इनका काफ़ी मजबूत है और इसी का फायदा उठाकर गाढ़ी कमाई करते हैं। जहां भी ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता है तो इन पर जिम्मेवारी होती है कि वहां पर किस तरह से काम को धरातल पर उतारा जाए और उसकी निगरानी की जाए कि मजबूती के साथ हो रहा है, लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार कर सिर्फ अपने जेब को मजबूत करने में अपने परिवार को किस तरह से मजबूत करें उस पर यह ध्यान देते थे। लेकिन ईडी की कार्रवाई झारखंड में IAS पूजा सिंघल के मनरेगा घोटाले मामले से शुरू हुई और उसके बाद लगातार कई लोगों से पूछताछ हुई तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ईडी अब जो झारखंड में अवैध कमाई करने वाले लोग हैं, आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है क्योंकि देखा गया कि IAS पूजा सिंघल, उसके बाद प्रेम प्रकाश, सुमन कुमार, डाहू यादव, पंकज मिश्रा और तो एक सीरियली लिस्ट बनाकर और तैयारी में है कि जो अवैध कमाई करने वाले जो जनता की गाढ़ी कमाई को अपने जेब में डाल रहे उन पर दबिश और कड़ी कार्रवाई कर सलाखों को पीछे भेजने का काम करेगी। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।